जब भी हेमा मालिनी का नाम हम सुनते हैं तो हमारे जहन में 70 और 80 की वो खूबसूरत अभिनेत्री हमारे आंखों के सामने आ जाती है जिसे ड्रीम गर्ल कहा गया था। आज उन्हीं से जुड़े एक मजेदार रोचक किस्से के बारे में बात करेंगे। हर इंसान का एक अपना आइडियल होता है, एक फेवरेट एक्टर होता है, एक फेवरेट पॉलिटिशियन होता है, एक अच्छा दोस्त होता है। तो उसी तरह हेमा जी के भी एक फेवरेट या आइडियल पॉलिटिशियन हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हेमा जी चाहती थी कि कौन से एक बार मुलाकात करें, तो इसके लिए उन्होंने कई लोगों से गुहार लगाई कि मुझे अटल जी से मिलना है, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं मिलवाया। तो एक बार उनके साथ काम करने वाले एक अभिनेता को उन्होंने कहा कि मैं अटल जी से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मिला सकते हैं? तो शख्स खुद भी एक एक्टर से और हेमा मालिनी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे, तो उन्होंने हेमा जी को कहा कि ठीक है मैं आपसे मिला लूँगा। और वो दिन आया हेमा जी की जिंदगी में 1997 फरवरी। उस एक्टर ने हेमा जी को ले आके उस महान शख्सियत के सामने खड़ा कर दिया जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी से मिलकर हेमा जी काफ़ी खुश हुई, वो उनसे बहुत सारी बातें करने लगी, लेकिन अटल जी थोड़ा शर्मा रहे थे। बाद में पता चला कि अटल जी भी हेमा के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने सीता और गीता को 25 बार देखा है। ऐसे शायद आपको मालूम होगा कि अटल जी फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे। जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में थे या उसके बाद भी उनका वो फिल्मों को देखने का जो जुनून था वो कम नहीं हुआ था। तो इस तरह उन लोगों के बीच में काफ़ी सारी बातचीत हुई। इसके बाद उस शख्स ने हेमा जी को कहा कि क्या आप पॉलिटिशियन ज्वाइन कर देती हैं? तो उस शख्स के कहने पर हेमा जी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और कुछ मीटिंग में जाने के बाद हेमा जी ने तय कर दिया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। और उन शख्स को जिन्होंने हेमा जी को अटल जी से मिलवाया था वो थे विनोद खन्ना, जो गुरदासपुर की सीट से 2 बार सांसद बने थे। आज विनोद खन्ना हमारे बीच में नहीं है, उनके गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन हेमा मालिनी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद मथुरा से सांसद बने। तो ये एक छोटी सी घटना थी जो जिसने हेमा जी के कैरियर को एक और मुकाम पे पहुंचाया। तो इसी तरह के दिलचस्प और रोचक फिल्मी जानकारियाँ या फिल्मी घटनाएं जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपको हमारे वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारियों के अलावा फिल्मों के रिव्यूज़ भी आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।